कुछ नहीं बेसिकली हम लोग बहुत फन करके शूट करते हैं और सबसे ज्यादा प्रैंक ये करते हैं सेट पे जिनके अच्छा। साथ और जिनके मैं साथ भी आज हाँ जी सर हाँ हाँ जरूर जरूर, जरूर। इतने तो, इसके साथ <laughs> को में ऐसे नहीं, प्रैंक नहीं करेंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा और एकदम आप सबसे मतलब सबसे बड़ा इडियट बन जाओगे ही इज सीरियस वेन ही इज वर्किंग Wow, just looking like a wow. Yeah, just looking like a wow. just looking like a wow. <laughs> तो ये बहुत ही साधारण आदमी की कुछ असाधारण घटनाओं को लेकर ये फिल्म बनी गई है। कई बुना चो? खूब भालो आची। खूब भालो आची। हाँ, दिल दिली आज ते आपना और कौनो अशुभिदे होए नहीं तो। <laughs>

जी आप किसे जाना चाहती हैं मैं बता दे रहा हूँ मानुष फिल्म की जो कहानी है इसको लिखी है ने। ये एक बांग्लादेश के राइटर हैं इस कहानी में ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो ब, बड़ी लेयर्ड है मल्टी स्टार कास्ट है जीतू कमल करके एक पॉपुलर एक्टर हैं वो हैं सुष्मिता है मीम है मैं भी हूँ फिल्म में और इस कहानी के काफी सारे लेयर्स हैं ये एक पिता और बेटी की कहानी है ये एक क्रिमिनल की कहानी है ये एक नारकोटिक ऑफिसर है उसकी ऑनेस्ट होने की कहानी है मेरे अगेंस्ट में दूसरे कैरेक्टर्स जो हैं जैसे जीतू कमल का जैसे मैंने बताई मैंने अपने बारे में बताया मेरे कैरेक्टर के बारे में अर्जुन विक्टर एक बाप और उसका भी कैरेक्टर जो उसमें भी कुछ लेयर्स हैं मीम के कैरेक्टर्स में, में लेयर हैं सुष्मिता के कैरेक्टर्स में लेयर हैं और एक खूबसूरत कहानी है जो ऐसे बुनी गई है कि काफ़ी इंट्रीगिंग लगेगी लोगों को ऐसा हम उम्मीद करते हैं और ये दो घंटे तक फिल्म बांध के रखेगी वॉट नेक्स्ट क्या होने वाला है अगले पल कैसे कैसे चीज़ें घट रही हैं ये सारी चीज़ें जो है इस फिल्म में बताई गई हैं और आ, ये मानुष टाइटल जो है मानुष का मतलब आपको पता है मनुष्य इंसान जी 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 मनुष्य इंसान इंसान तो ये जब फिल्म कोई देखेगा इस कहानी को जब देखेगा तो ऐसा लगेगा कि ये आपके साथ भी हो सकता था इनके साथ भी हो सकता था हमारे दर्शक में से भी किसी भाई या बहन के साथ ऐसा हो सकता था मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है मैंने एज एन कैरेक्टर तो ये बहुत ही साधारण आदमी की कुछ असाधारण घटनाओं को लेकर ये फिल्म बुनी गई है और हमें उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगी रिलेशनशिप काफी चीजें आती हैं और बहुत क्यूटली उनको दिखाया जाता है तो ये मूवी क्यूट होने वाली है एक्शन से भरपूर होने वाली है कैसे होने वाली है भी है एक्शन है रोमांस है थ्रिल है ड्रामा है इन शॉर्ट सब कुछ है

हम्म और आपके नाम के आगे सुपरस्टार फैंस से लगाया आपने लगाया कैसे क्या हुआ सुपरस्टार जीत हमने रिलायंस के साथ फिल्में बनाना शुरू किया था 2013 में तब से उन लोगों ने ये डाला है और तब से चल रहा है और आ, बस हम इंतजार कर रहे हैं कि दो चार बड़ी-बड़ी और हिट हो जाएं तो फिर मेगा स्टार भी लगा देंगे मेगा स्टार लगा देंगे, लगा देंगे। नाइस सुपरस्टार से डायरेक्टली मेगा स्टार अच्छा एक फिल्म में ये जो आ, आपका ट्रेलर है उसमें मैंने देखा डायलॉग है कि आ, मेरी सारी जिंदगी अपनी बेटी की नजरों में हीरो बनना चाहता हूँ और आ, ये भी है कि इंसान बतौर बतौर इंसान में हार सकता हूँ लेकिन एक बाप के रूप में मैं, जीतना मैं हमेशा चाहता। जीतना चाहता हूँ फादर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है स्पेशली एक लड़की की जिंदगी में सुझमे मेरा सवाल ये वहां पे आपसे है कि आपकी है कोई मेमोरी फादर के साथ कैसा आपका रिलेशन रहा है अपने फादर के साथ स्ट्रेक्ट ये कैसे हैं वो मैं जब भी बात करती हूँ मैं इमोशनल हो जाती हूँ बिकॉज पापा के साथ मेरा जो रिलेशनशिप है वो एकदम मतलब टॉम एंड जेरी जैसा है अच्छा। सबसे ज़्यादा प्यार उनसे करती हूँ और सबसे ज़्यादा झगड़ा भी उन्हीं से करती हूँ तो हमेशा ये होता है कि अगर मुझे कोई डिसीजन लेना होता है तो एक मैं एक चीज़ करना मैं चाहती हूँ और एक चीज़ पापा बोलते ठीक है, है तो अल्टीमेटली पापा जो बोलते हैं वही सही है आई नो बट हम point लोग point तो of views या पॉइंट ऑफ व्यूज परसेप्शंस आर डिफरेंट सो ये लेके कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और एंड में हम दोनों 50-50 करते हैं मेरा आधा उनका आधा और पापा मतलब एक लड़की के मतलब लाइफ में पापा इज द फर्स्ट मैन जिसको वो जिनको वो देख के Grow करती है है uh, वही वही है और और वही रह जाता वैसा ही एक ढूंढती exactly. मुझे तो वही लगता है मेरे हिसाब से वही है सो दैट्स रियल कनेक्ट वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट एंडली वेरी इमोशनल ऑल्सो एक बेटी के बाप में क्या क्वालिटीज या होनी चाहिए या उसे मोर सेंसिटिव होना चाहिए या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए या क्या चैलेंजेस होते हैं आपने कभी आपने ऑब्वियसली इस फिल्म के दौरान जो फेस किया है फिल्म के दौरान नहीं जिंदगी में भी अगर मैं कनेक्ट करूं तो मेरी बेटी है एक और एक बेटा भी है वो कुछ दिनों पहले ही पैदा हुआ है थैंक यू वेरी मच और बेटी के साथ वो हमारी जो बेटी है वो ग्यारह साल की होने वाली है तो, तो ये एक ऐसा अद्भुत रिलेशन है ना उसको ना, शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बहुत ही ब्लेस्ड फील फील करता हूं कि आई 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 हैव अ अ डॉटर डॉटर एंड ओनली कैन दिस लाइक ऑलवेज एवरी मोमेंट ग्रेटफुल टू गॉड फॉर ब्लेसिंग अस सच ब्यूटीफुल अच्छा नहीं मैं बिल्कुल you can understand no you are a daughter of of like uh, you have your father and yeah. there's a relation between you and your father i don't know most of uh, father daughter relations somewhere they have some common links to agar aapke father aapke upar kabhi chillate hain ya aapko daantte hain aisa hua hai kya हाँ, बहुत हुआ हुआ <laughs> हुआ है हुआ है हुआ है लेकिन वो प्यार से डांट पड़ी है।, हुआ है।, हुआ है। वैं। 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 तो मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है मैंने मैं अगर बिल्कुल ड ऑफ मी एंड आई डोंट वॉन्ट दैट स्पेस टू टेक प्लेस इन एवर इन माई लाइफ बट कभी डांट फटकार अगर पड़ती है तो मम्मी से कभी कभी पड़ जाती है और वो uh, कभी कभी uh, वो रिप्रीमांड करना जरूरी भी होता है hmm. और वो बच्चे की भलाई के लिए किया जाता है ये uh, एक ना एक पॉइंट में बच्चे को भी समझ में आ जाता है जब हम बड़े हो जाते हैं या हम हम खुद uh, पेरेंट बन जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि क्यों हमारे माँबाप ऐसा कहते थे तो या वाइफ शी गेट्स स्ट्रिक्ट वो खुद टीचर भी थी ना बच्चों को पढ़ाती भी थी अच्छा तो कभी तब कभी, तो बट uh, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है

तो ये तो है जब जब आप पेरेंट्स के बारे में और फादर के बारे में, बारे में बात करते तो हो हो आप इमोशनल जाते हैं तो मैं नहीं चाहती इमोशनल होना कैमरा है ना अच्छा चलो चलो अभी हम हाँ, लोग आते हैं और मानुष को लेकर कुछ बात करते हैं मानुष जब शूट हो रही थी बीटीएस में अगर मैं पूछू सबसे मेमोरेबल मोमेंट कोई एक पिक करना हो क्या होगा बताइए एट द टाइम ऑफ शूटिंग

फ्लोरल वाली हाँ फ्लोरल है अच्छा बेसिकली स्पेशल बिकॉज़ मोमेंट नहीं भी हो बट कोई फनी मोमेंट हो फनी बार कहा था शूटिंग करते मजे करो हम लोग मजे करते रहते थे हर, हर दिन कुछ न कुछ मजेदार बातें होती रहती थी मैं सिर्फ कहता था कि याद रखो ये सब पूछा जाएगा तुमसे <laughs> नहीं मेरे को याद है सर हमको याद है याद कर लो यूपर से सर हमको याद है पर मैं वो नहीं कह सकती ना नहीं थीक है, थीक है, तो ठीक है 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 रिप्लेस करके कुछ नहीं वो सीन है निकल जाए अच्छा अच्छा जो कह सकती है वो कहिए कुछ नहीं बेसिकली हम लोग बहुत फन करके शूट करते हैं और सबसे ज्यादा प्रैंक ये करते हैं सेट पे अच्छा? सबके साथ और जिनके साथ भी आज हाँ जी सर हाँ हाँ जरूर जरूर इतने के साथ <laughs> को भी ऐसे नहीं, प्रैंक नहीं करेंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा और एकदम आप सबसे मतलब सबसे बड़ा इडियट बन जाओगे क्या हुआ आपके साथ अच्छा आप बता नहीं सकते ना हाँ लेकिन मैं प्रैंक भी नहीं बता सकती क्योंकि मैं अगर प्रैंक बताऊंगी तो आपको हंसी नहीं आएगी क्योंकि वो वैसे बोलते बेकार so, not... में डर रही हूं ही इज सीरियस व्हेन ही इज वर्किंग ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ दैमरा इन ऑफ याफॉर्म लाइक बट

लगे आप भी लेकिन आप भी लगे ने, जूते, ने, जूते को लेकर एक बना लिया नहीं बना ने लिया। सकते काम करते पर... को बात नहीं करते हम सिर्फ भावना को प्रमोट करते हैं भावना को क्या प्रमोट करेंगे सर भावना कौन है भावना को प्रमोट करेंगे उसके लिए पहले उस लेवल पे तो आने दीजिए लेकिन लुकिंग लाइक नहीं कर सकते क्यूँकी आपने किसी को प्रोमिस किया है अच्छा आप अगर बताना चाहते तो आप नहीं, सकते नहीं, हो नहीं, नहीं, तो मैडम का इंटरव्यू भी किया है कुछ और चीजें निकल जाए कैलेक्टर में अच्छा कौन था सबसे ज्यादा फूडी आप थे आप थे या कोई और दोनों हम दोनों उनका खाना जो है उनके शरीर पे दिखता नहीं है और मैं खा लेता हूँ तो दिख जाता है बस फर्क यही है क्या? हो। दिल्ली अप, आप छोले भे हाँ। और हाँ। चाट खाएंगे हाँ। हाँ। और खाना खाने के बाद लस्सी ऑर्डर की थी फिर ख्याल में आया की इंटरव्यू लस्सी के बाद में सोच रहा था डेढ़ घंटे कहीं पर चित्त हो जा तो अच्छा है लेट हो जाता सर Oh और और स्लीपी कौन ज्यादा रहता था और सेट पे आके सो जाना है हम दोनों में से तो कोई नहीं कोई नहीं एक्टिव वी आर वेरी एक्टिव ऑन सेट तो कौन था कोई टीम में और था कुछ था नहीं 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 स्लीपी नहीं कोई नहीं था स्लीपी नहीं, हम वो सिचुएशन uh, नहीं बनने देते नहीं नहीं ही 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 ऑलवेज फनी आई सेड ना लाइक कीप्स ऑन

थैंक यू सर मानुष जो है वो हिंदी में भी रिलीज हो रही है डबड वर्जन है जी. और बंगाली में तो खैर हो ही रही है तो जब हिंदी में डबड वर्जन रिलीज हो रहा है आपको लग रहा है कि मतलब हिंदी ऑडियंस इसे देखना पसंद करेगी या हिंदी ऑडियंस अगर देखे तो क्यों देखे कहानी वही? के लिए hmm. आ, देखना पसंद करेगी ये तो फिल्म देखने के बाद ही समझ में आएगा hmm. और फिल्म अगर देखेंगे तो हमारा विश्वास है हमें उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगी और देखने की वजह यह है कि आ, इसकी कहानी दमदार है और जिस तरीके से बोली गई है वो और भी मज़ेदार है और दो घंटे तक आपको हमेशा बांध के रखेगी और हर पाँच दस मिनट में ये लगेगा कि अगले पल क्या होने वाला है क्या होने वाला है ये उत्सुकता रहेगी तो ये सारी बातें फिल्म में हैं और फिल्म आपको एंटरटेन करेगी इसमें मजेदार कुछ सीक्वेंसेस है, हैं इमोशंस हैं ड्रामा है रोमांस है म्यूजिक है एक्शन है वो सारी चीजें जो हम देखना चाहते हैं बड़े पर्दे पर वो है सारी चीजें और हर उम्र के लोगों के लिए है परिवार के साथ देखने वाली बात है फिल्म में अच्छा अच्छा ऑल्सो अच्छा जब कोई भी दूसरी लैंग्वेज का सिनेमा हो उसे अगर हम हिंदी ऑडियंस के लिए बनाते हैं हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जाती है? क्योंकि ऑडियंस अलग है हमारा हिंदी ऑडियंस जो है वो हिंदी स्पीकिंग है बंगाली ऑडियंस है वो बंगाली बोलता है बंगाली कल्चर जो है उसे कैसे मतलब दिखाएं क्या कुछ ऐसे भी चैलेंजेस होते हैं जी नहीं देखिए फिल्में सिर्फ दो तरह की होती है अच्छी फिल्म और बुरी फिल्म अच्छा कोई किसी भी भाषा में आप बनाए ओके okay, अगर इमोशन सही है फिल्म अगर बांध के रखती है तो किसी भी भाषा में कोई भी फिल्म हो स्पेशली लॉकडाउन के बाद से तो ये और भी लोगों का माइंड ओपन हो गया है वो हर तरह के हर भाषा के कंटेंट को देखता है हर तरह के मेकर्स की फिल्में देखता है हर तरह के टैलेंट्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है हर भाषा के टैलेंट्स को चाहे वो इंडिया से हो इंडिया के बाहर से हो ग्लोब वर्ल्ड से वर्ल्ड के कहीं से भी हो तो लोगों का माइंड काफी ओपन हो गया है इस मामले में तो ये अच्छी बात है सिर्फ फिल्म अच्छी होनी चाहिए बस इस बात की देर है कंटेंट अच्छा होना चाहिए सुष्मिता आपका क्या रोल है मानुष में द कैरेक्टर व्हिच आई एम प्लेइंग इज थ्रिलिंग एक्साइटिंग चैलेंजिंग शेड्स है और इट इज अ राउंड कैरेक्टर बेसिकली एंड कभी कभी शी इज अ प्रोटेक्टर एंड कभी कभी शी इज अ विक्टिम सो देयर इज अ

<laughs> मुझे लगता है पता नहीं इट्स ओके इट्स ऑल अबाउट ऑडियंस को कैसे कनेक्ट करें बट डेफिनेटली आई एम ओपन फॉर ईच एंड एवरी लैंग्वेज एंड हिंदी में डेफिनेटली वाई नॉट मतलब क्यों नहीं mm -hmm. और uh, uh, हर एक एक्टर का सपना होता है कि अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करे mm -hmm. uh, इस लैंग्वेज में करे उस लैंग्वेज में करे इट्स लाइक इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी व्हाट यू आर डूइंग द कैरेक्टर व्हाट यू आर प्लेइंग व्हाट यू वांट टू शो द ऑडियंस सो आई डोंट थिंक सो कि Language, uh, का कोई रेस्ट्रिक्शन yeah. या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए जी तेलुगु भोजपुरी बांग्ला एंड आई हिंदी फिल्म लॉन्ग बैक सो कोई प्रॉब्लम नहीं है एज लॉन्ग एज द फिल्म इज गुड कंटेंट इज गुड एंड जब मैंने तेलुगु कर ली है so, आप, जब काम कर चुके हैं तो आपको फिर किसी भी एलियन लैंग्वेज को भी सामने रख दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो चाहे मैक्सिकन हो टर्किश हो कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो आप कर सकते हैं काम उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पेनिश हो फ्रेंच हो

तो आप लोग सब जाइए फिल्म को देखिए हमें उम्मीद है कि की फिल्म आपको पसंद आएगी और अगर फिल्म अच्छी लगती है तो कम से कम एक इंसान को जाकर थिएटर में देखे फिल्म थैंक यू वेरी मच और इस इंटरव्यू को आई एम श्योर आपने देखा होगा और ये भी आपने सुनी होगी तो इंटरव्यू को भी आप लाइक कर लीजिए और फिल्म भी देख कर आइएगा और फीडबैक दोनों को जरूर पहुंचाएगा इंटरव्यू का कमेंट्स में दीजिएगा और बाकी सोशल मीडिया ओपन है आप बताइए कैसी लगी फिल्म ठीक है और बाकी कीप वॉचिंग कीप लविंग थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो थैंक यू थैंक यू सो मच